रूट्स टच करने के लिए आपको कभी भी किसी पार्लर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, महंगे महंगे पार्लर पे जाके आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बहुत इजीली आप कलर कर सकती हैं। इस तरह की कोई भी बॉटल आपके पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं आज आप लोगों के पास लेकर आई हूँ कलर करने का इजी तरीका। रूट्स टचिंग करने के लिए आपको पार्लर्स पे जाना पड़ता है, टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है, और छोटे से काम के लिए आपको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। उसका इजी तरीका मैं आपको घर कलर करने के बताऊंगी। और अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो आपके कलर यूज़ कर सके, तो आपको चाहिए इस तरह का एक अदद बाउल और इस तरह का ब्रश, जो आपको मार्केट में ईजी ही मिल जाएगा। और शीशे का बाउल यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि ये आप जब वॉश करते हैं तो ये बिल्कुल इस तरह नीट एंड क्लीन हो जाता है, इसको कलर नहीं लगता। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है, आप खुद कलर यूज़ करना चाह रही हैं, तो आपने लॉरियल का अगर कलर लेती हैं या इस तरह की जो भी एक्स्ट्रा पैकिंग अगर आपके पास मौजूद हो, तो आप कोई भी कलर ले सकती हैं। मैंने यहाँ लिया था लॉरियल का कलर, मैं इसको बना के यूज़ कर चुकी थी लेकिन मैं वो वीडियो शूट नहीं कर सकी। लेकिन एज अ सैम्पल मैं आपको इस ट्यूब के ज़रिए समझाऊँगी, इस तरह की जो लॉरियल के अंदर से कलर की ट्यूब निकलती है, आपने इसके अंदर वो टोटल ट्यूब डाल देनी है। ये ऑलरेडी इसमें वॉल्यूम मौजूद था जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा वीडियो शूट किए ताकि मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर सकूँ। तो जो आपने ट्यूब ली थी, वो इस तरह की ट्यूब, वो आपने इसके अंदर डाल लेनी है। और ये इस तरह की जो नोज़ल होगी, ये ऑलरेडी आपके लॉरियल के पैकिंग के अंदर मौजूद होगी। तो ये वाला आपने इसको अच्छे से ढक्कन को टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपने इसको अच्छे से शेक करना है, और इस तरह का एक साशे आपके लॉरियल की पैकिंग के अंदर मौजूद होगा। ये मॉइस्चराइज़र है, इसको आपने कट करने के बाद अपने स्कैल्प में अच्छे से यूज़ कर लेना है। बालों में अच्छे से स्कैल्प को इसको लगाने के बाद आपने इसमें जो कलर अपना बना चुके हैं, अच्छा एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि आपने स्कैल्प के बहुत करीब कलर नहीं करना, बिकॉज हमारे बाल ड्राई डैमेज होने का ख़तरा होता है, इसलिए हमने यहाँ से जस्ट हाफ इंच जो है वो थोड़ा सा दूर रखने। वैसे भी जब आप इसको कॉम करते हैं, कॉम करने के बाद आपके वो रूट्स में ऑलरेडी थोड़ा सा पहुँच ही जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आपका रूट स्टचिंग भी हो जाए और आपके बालों में किसी किस्म का जो है वो डैमेजपन भी ना आए। सो हम नेक्स्ट बताते हैं कि इसको जब हमने अच्छे से कर लेना है, तो हमने अपने बालों में वन बाय वन इस तरह पोर्शन बनाने हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब मैंने किया, मैं आपको वो दिखा जी। तो आपने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लेना है, ताकि जब आप कलर करें तो बालों में उलझने ना आए। अपने बालों को अच्छे से कॉम करने के बाद आपने बालों का पोर्शन बना लेने हैं, और इस तरह का कोई भी कॉम ले लें, और इस कॉम के साथ इस तरीके से आपने फ्रंट से स्टार्ट करना है, बिकॉज इसमें कलर समटाइम कम हो जाता है, बाल घने होते हैं, तो कलर जब आप चेंज करते हैं तो मस्टली या तो आप दो ट्यूब्स लें, या फिर आप सबसे पहले रूट्स को फ्रंट से टचिंग शुरू करें, क्योंकि बैक एरिया तो वैसे भी कवर हो जाता है, सबसे पहले आपका फ्रंट एरिया आ रहा है। इस तरीके से आपने इसको पुश करना है। जब आप इसको अच्छे से पुश करेंगी, तो इसके अंदर से इस तरह डेवलपर और ट्यूब जो आपने मिक्स किया होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा। इसको सबसे पहले आप फ्रंट पे रूट्स पे इस तरीके से अप्लाई शुरू कर दें। फ्रंट पे आपने जब पोर्शन वन बाय वन करके सारे अप्लाई कर लेना है, तो बाकी आपने देखना है जितना भी कलर बाकी बचेगा वो आपने बाकी का सारे पूरे बालों में बैक तक कवर कर लेना है। कलर करने से पहले एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लें। मॉइस्चराइज़र क्रीम को आप जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि कलर लग सकता है, जैसे फोरहेड, कानों के ऊपर, आपने इस तरह स्पॉज दैट अगर आपके कलर आ भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने जो भी क्लिंजी मिल्क आपके पास पड़ा हुआ है, कॉटन बर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्लिंजी मिल्क लें, और उसके साथ अच्छे से फोरहेड पे और जहाँ जहाँ भी कलर लगा है वहाँ पर आप उसको अच्छे से स्क्रबिंग की तरह स्क्रब कर लें। अगर आपके पास वॉल्यूम मौजूद है तो वॉल्यूम को भी थोड़ा सा लें, चाहे वो 10 वॉल्यूम है चाहे 20 है, उसको थोड़ा सा लें, और जहाँ पे भी कलर लगा है वहाँ फ़ौरन से आप थोड़ा सा उसको मसाज करें यहाँ पे इस तरीके से, तो वहीं से वो साफ़ हो जाएगा। और अगर आपने कोई डार्क ब्लैक कलर कर लिया है, बहुत ज़्यादा वो आ गया है, जैसे कानों के ऊपर लग जाता है, तो दो दिन पहले कम अज़ कम कहीं पर भी जाना है तो 2 डेज़ पहले यूज़ करें। और अगर सपोज दैट आपने आज ही जाना है और आज ही लगाना है तो, और कलर लग गया है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका ईजी यह कि जो भी ब्लीच आप यूज़ करते हैं उस ब्लीच को थोड़ा सा लें और वहाँ पे लगा लें, तो वो 1 से 2 मिनट के बाद साफ़ हो जाएगा। और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। पहले वाली जो मेरी वीडियो थी वो मैंने दिन में शूट की थी, और बेबी ने इतना तंग किया कि मुझे इस टाइम अब रात के 2 बजे बाकी की वीडियो करनी पड़ी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह।